चलिए दधी स्नान एक बार जल घुमा करके और बाल कृष्ण भगवान को दो बार छोड़े दुग्धान के दधि स्नान बैठोगे शिवरिया थोड़ी हाँ छोड़िए दो बार बस दो बार या लीजिए दही दीजिए एक एक चम्मच दही छोड़िए सबके ऊपर बढ़िया से दही से स्नान कराएंगे नहीं अफा कर करके दक्षिण ओम 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 गंगा नपतये नमो नमः श्री सिद्धि Gracias.
يا
I'm gonna go
Hare
ولكن
भैया वो किचन में इसको थोड़ा अक्षत रख के ये लीजिए, दीपक स्थापित कर दीजिए कहीं सुरक्षित स्थान पे। हाँ किचन में गर्म है, रख के आओ गिरजा। जाप बिंदा है नमस्ते। जो करंटी वाले ऊपर रखे हैं ना दुपट्टा ले लो आप लोग। दोनों दोनों चलेगा सिद्ध वाला, हाँ ये सब चलेगा। हाँ वो भी दे दो तुरंत। अब आपके जगह पे उत्तराधिकारी आते हो तो करेंगे, आप बैठिए। हाँ मेरे को ऐसे वैष्णव वाला बड़ा लंबा नहीं, थोड़े से पापा का लगे। अच्छा वो वाला आप वाला लगा दो। हाँ आप भी टिक्का लगा दो, टिक्का लगा लो। अच्छा अच्छा आप लगा दो। लंका कहाँ पो? लंका दिखा है? चलो आओ किधर। जल में कमल का फूल है, जल में कमल का फूल है। ओम हरि ओम श्री परमात्मा श्रुति इनको तीव्र जाती है पीने के लिए आत्मा को समझ सकता है। जल पिलाइए कहाँ से ये बात? ओम गंगायै नमः, ओम यमुनायै नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम माधुरदिनेश्वर गोविन्देभ्यः हस्तो प्रक्षाल्य तीन बार। ओम हरि ओम इनको दीजिए तीन बार। आश्रम करिए भैया। ओम गंगा जय नमः,
केशमाय नमः केशवं पुरातु माधवाय नमः माधवं मां पुरातु नारायणाय नमः नारायणं मां पुरातु ॐ गोविन्दे जाचलय हस्तौ प्रक्षालय गोविन्दाय नमः गोविन्द भगवान की जय हो हरि ओम एक एक मुक्ति भैया आप बढ़िया से स्नान कराइए एक खाली और होगी खाली और है क्या نمسكارا شنكر مولي نرمدي سندو
प्रतिगृहीयत सिद्ध मंत्रा नमस्तुभ्यं सिद्धयन्ता तथैव च सर्वे सिद्धिमवाप्नोति नीलकण्ठ महेश्वरा ओम हरि ओम शुद्धोद गुणदान समर्पयामि बढ़िया की हंगामी है स्तुति करो कर रहा था तो भजन गाए टाड़ी गुरुदेव आज अपने जाता है बाजा बजा के मैं तो उसका ये नहीं connected ganga ji hamare chudhile na bulaye mat dena vinay tum se maar maar re सुरेश्वरी भगवती गंगा के देवी सुरेश्वरी भगवती गंगा के त्रिभुवन तारिणी अरला करण के त्रिभुवन शंकर मौली बिहारी विमले शंकर मौली बिहारी मम राजो जी इन्हें बुलावे ये छत्रपतियों
छुप जावे डाकू जी ने बुलावे ये छटपट यो छुप जावे यो छटपट यो छुप जावे ये काला पास रावे छुप जावे ये काला पास रावे डाकू जी संग नान करे लंका मैया की कुटिया Oh
थाली पूरा पलटी कर भैया बैठो वो कट्ठे भाई नीचे रखा चलो पलटा डाला पलटी कर भाई में थोड़ा तो छिड़का के थोड़ा थोड़ा तुरंत लाओ फट जलते बात कर दो फूल निकालो भैया हेरो अंदर ढूंढो देवी जी अंदर हाथ डालो देखो जो शादी ढूंढे थे ना कुछ ढूंढा हमने मिलेगा अंदर मिला क्या वही जीते थे राजा रामचंद्र भगवान की जय हो अत पूजनम शीघ्र शीघ्र कुर्वन्तु भ्रवन्तु कुर्वन्तु मैं दौड़ा जाता है इतने दौड़ता है सिद्ध वाला नहीं ओम उन्नयन्ति स्वाख्यो मनसा सेवयन्तः ॐ शीतपाकुशसन्त्राणो लोकलज्जा निवारिणे मयोपपादिते तोभ्यो वासजी प्रतिगृह्यतां वस्त्रं समर्पयामि ॐ हरिः ॐ मा श्रीपरमात्मने नमः आवाहिदेवताभ्यो नमो नमः वस्त्रं च समर्पयामि शिञ्चन्ति परिभिञ्जन्ति पुनन्ति च सुराये बभ्रो किन्तु वदतु किं त्वः वस्त्रं च समर्पयामि श्रीपरमात्मने नमो नमः अग्रे ॐ श्रीपरमात्मने नमः त्रिंशोपचारम् इसमें त्रिंशोपचार खोलो ये अग्रे वास्तु नीराजन स्तोत्र पुनर्पुराण इसमें विशेष पूजनादि
ओम हरि ओम भूर्भुवस्व श्री परमात्मने नमः विविध तंतुभ्य गुंफितम् नमो सुतापनीय यू घुमा करके यहाँ पे एक बार छोड़ दीजिए वस्त्रांत्र आज नियम जलम यज्ञो पवित्रो परम पवित्रमो रजापुत्रय सहजो रसा आयो यज्ञो ओम ग्रह मंडल देवताभ्यो नमः उपवीतांत एक चम्मच जल घुमा करके छोड़ दीजिए आत्मनियम जलम समर्पयामि नमस्कारो ओम हरि ओम श्री परमात्मने नमः तिलक लगाइए चल जल मिलाइए मिक्स करिए और भगवान को लगा दीजिए नित्य भूरा करीशनी and you
منوهر مالايا سونو شويت
Oh,
جنمني جنمني
भगवाने ओम एक बार जल छोड़िए ओम हरि ओम उत्तरा जल छोड़िए उत्तरा प्रश्नार्थे जलम मुच समर्पयामि ओम ओम हरि ओम ओगे फलम महद्यम यम नादम लीलले युतमो एनादि चूर्ण संयुक्तम उपवासार्थे तांबूलम च समर्पयामि तांबूलान्ते पुनः सभी वेदियों के छोटे पैसे सभी कलशों पे चढ़ा दीजिए और सभी वेदियों को खड़े हो जाइए। आप दोनों खड़े होकर के चढ़ा करके प्रणाम करते रहिए और भगवान से प्रार्थना करनी है। ओ प्रेम श्री यज्ञ नारायण भगवान की आनंद गोरी नमस्कार अब सौंप दिया इस जीवत का सब भार तुम्हारे
की गाथा दूर करत है राधा राधा नाम इनकी गाथा दूर करत है राधा सामने लीजिए तुलसी उठा करके ऐसे और उसको नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए चढ़ा करें दोनों लोग चढ़ाइए भगवते वासुदेवाय भाव चढ़ा करिए नाम कीर्तन बालम मुकुंदम मनसास्मरामि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते बलिहार कान्हा जो बलिहार कान्हा जो बलिहार कान्हा जो बलिहार ओ तेरी मधुर मधुर मुस कन्या पे तेरी मधुर मधुर कन्या
तुलसी दल लेकर के और भगवान की कथा सुननी है, संक्षेप में सुननी है, हाँ समय कम है, तुलसी लीजिए हाथ में और कथा सुनिए। संग बजाइए महाराज, ले लो, सबने दे दो, सब लोग हाथ में तुलसी और दक्षिणा लेकर के और बैठ जाइए जहाँ जो बैठ रहे हैं, और सुनाई पड़ेगा प्रेम से बैठ करके भगवान की कथा सुनिए। अब समय कम है इसलिए संक्षेप में सुनिए, 10 मिनट में सुनाता हूँ कथा, एकदम बैठे रहिए, फिर हवन भी करना है, आरती भी है और सबको भूख भी लगी है, भोजन की व्यवस्था भी हो गई है, तो चलिए अब प्रेम से प्रेम सुन बाके बिहारी लाल की। चलिए भगवान की जो कथा है भैया, आपने कथा तो वैसे अनेक बार सुनी होगी, पर भगवान की कथा को, भगवान की कथा का सार सुनिए, भगवान की कथा का रहस्य क्या है। पहले अध्याय में भगवान की कथा की महिमा बताई है, क्यों भगवान की कथा करनी चाहिए, क्यों बांके बिहारी की सेवा करनी चाहिए, क्यों दर्शन करना चाहिए, क्यों तीर्थों में जाना चाहिए, क्यों व्रत जप तप करना चाहिए, इन सारे प्रश्नों का उत्तर भगवान की कथा में है। मन में जो कोई संशय आते हैं वो सभी संशय का भगवान की कथा से निवारण हो जाता है। प्रसाद ले दो महाराज जी को, प्यास लगी है, हाँ जिसको जो प्यास लगे भैया ले ला। कहा भगवान की कृपा से, कहा भगवान की कृपा से जन का कल्याण हो जाता है, इसलिए कहते हैं भैया कि भगवान की कथा को सुनने से होता क्या है, कहा जन्म जन्म की व्यथा मिट जाती है भैया, इसलिए भाव से गाते हैं, ओ जन्म जन्म की व्यथा को मिटाने का सामर्थ्य राम कथा में है, शिव कथा में है, सत्यनारायण कथा में है, फिर भाव से गाइए, हे जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय 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 श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, हाँ हाँ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम, राज रामचंद्र भगवान की जय। वही एक परमात्मा, जो परमात्मा ही सत्य है भैया, जीवन में अगर हम सत्य ढूंढने निकले तो सत्य केवल और केवल परमात्मा है। सभी संतों ने, ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने अपने अपने विधान से भगवान की महिमा को गाया, पर जो परम सत्य है वो एक ही है, परमात्मा एक है, लेकिन भक्तों के प्रेम के कारण वही परमात्मा अनेक रूप ले लेते हैं, वो अनेक नाम अनेक रूप भगवान के बन जाते हैं, जिसने जिस रूप में पुकारा भगवान जी उसी रूप में दौड़े चले आते हैं। पर विषय यह है कि हृदय में भाव होना चाहिए, तो नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा भैया ना, तो इस कलयुग में सभी लोग दुखी होंगे, इस कलिकाल के दुख को दूर करने का सामर्थ्य भगवान की कथा में है, लेकिन कब दूर होगा,
कहा जब हम भगवान की कथा श्रवण करने से, कथा कराने से कल्याण नहीं होता, कथा श्रवण करने से कल्याण होता है। इसलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। एक बार भगवान की कथा हो रही थी तो बाहर एक महात्मा बैठे थे। महात्मा सबको बोल रहे भैया कथा में मत जाओ, कथा में मत बैठो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कई लोग लौट गए। एक के मन में जिज्ञासा हुई, उसने पूछा महाराज जी कथा में बैठने पे कल्याण नहीं होगा ऐसा क्यों कहते हो? बोले भैया यही सत्य है। बोले तो? बोले भैया कथा में बैठने पर कल्याण नहीं होगा, जब कथा आपके अंदर आकर के बैठ जाए तब कल्याण होगा। इसलिए भगवान की कथा हृदय में आ जाए। हनुमान चालीसा करते हैं तो अंतिम दोहा क्या है? पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप। लेकिन क्या? राम लखन सीता सहित हृदय बसहुं सुर भू। जब तक राघव जी के साथ माँ सीता के साथ श्री हनुमंत लाल हृदय में आकर के नहीं बैठ जाए तब तक जीवन सफल होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान की पूजा का उद्देश्य ही है कि ठाकुर जी जिसको आप बाहर से निहार रहे हैं, जिस छवि को आप बाहर से देख रहे हैं, वो छवि आपके हृदय में आ जाए। इसलिए जब कभी दर्शन करने लोग जाते हैं, आपने देखा होगा आंख बंद कर लेते हैं, है ना? क्यों बंद करते हैं? तभी मन में आया प्रश्न, क्यों आंख बंद किया जाता है? वहां देखने का है ना भगवान को, तो आंख बंद करके दिखेंगे क्या? नहीं। तो ये दर्शन की यही प्रक्रिया है कि भगवान को के चरणों से लेकर के और उनके पूरे मुख तक पूरा दर्शन करिए और उस छवि को अपने हृदय में बुलाए और भीतर उस छवि का दर्शन करना। मतलब दर्शन करने का भाव ये है कि उन ठाकुर जी को हम हृदय में लेकर के अपने घर में चले आए तब कल्याण होगा। केवल जाकर के पानी वाली फेंकने से कल्याण ना हो, जब तक हृदय में भगवान आकर विराजमान नहीं होंगे कल्याण नहीं होने वाला। तो यही बात जब सूत जी महाराज ने ऋषियों को बताया कि भैया देखो कल्याण चाहिए तो कथा सुननी पड़ेगी, हरी कथा के बिना जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है कि महाराज जी आपको किसने बताया इस कथा के बारे में? कहते भैया हमको श्री नारद जी ने बताया। बोले कैसे? पूरी बात बताइए। कहते हैं एकदा नारदो योगी, नारद जी योगी है, भगवान का स्मरण करते हुए अनेक लोकों में भ्रमण करके मृत्यु लोक में आकर के नारद जी ने सबको दुखी देखा तो नारद जी को पीड़ा हुई और तुरंत भगवान के पास गए, दर्शन किया और दर्शन करके भगवान की स्तुति करी। स्तुति सुनने के बाद भगवान ने पूछा कि नारद क्या दुख है आपके जीवन में? नारद जी ने कहा प्रभु आज हृदय मेरा बहुत व्यथित हो गया। बोले क्यों दुखी हो आप? बोले भैया मृत्यु लोक के जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता। प्रभु आज मैंने वो दृश्य देखा जिससे मेरा हृदय पीड़ित हो गया। बोले क्या देखा आपने? मृत्यु लोक के जना सर्वे सभी लोग, कोई छूटा नहीं है। मृत्यु लोक में आने के बाद सभी जीव दुखी हैं। अच्छा मृत्यु लोक हमको लग रहा है कि ये बड़ा स्वर्ग है या बड़ा सुखमय है। शास्त्र कहता है भैया कि मृत्यु लोक का नाम दुखालय है। जिस प्रकार से विद्यालय में विद्या प्राप्ति होती है, यहाँ दुखालय में दुख ही मिलेगा, चाहे कितना भी सुख का प्रयास करो। अच्छा दुख के प्रकार कितना? कहते कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिनु रहत उदास। कोई तन से कोई मन से कोई धन से दुखी, सारा संसार दुखी है। जब सबको दुखी श्री नारद जी ने देखा, भगवान से पूछा प्रभु उपाय क्या है? बोले एक ही उपाय है नारद, एक कई धर्म एक व्रत ने काय वचन मन पति पद प्रेम। स्त्री के लिए धर्म है, जिस प्रकार स्त्री का धर्म है कि वो चरण कते काय वचन मन, तन से मन से और वचन से पति सेवा करे, एक ही धर्म है। दूसरी सेवा स्त्री का है ही नहीं, कोई देवी देवता का पूजन उसने किया नहीं किया कोई लेना देना नहीं, उसका परम धर्म है पति सेवा। ये शास्त्र कहता है, ये उत्तम नारी का लक्षण है। उत्तम नारी का यही लक्षण है कि वो पति के भीतर ही परमात्मा दर्शन करके सेवा करे। और पति का धर्म क्या है? पति कहते हैं कौशल्यादि नारी प्रिया सब आचरण पुनीता पति अनुकूल प्रेम दृढ़ राम जन्म सुख मूल। घर में राम जी का जन्म कब होगा? जब ऐसा दाम्पत्य होगा, स्त्री पति के अनुकूल रहे और पति जगत में सबसे अधिक अगर किसी से प्रेम करे
तो वो अपनी पत्नी से करे। पति की दृष्टि में अगर कोई सबसे सुंदरी है तो केवल और केवल उसकी पत्नी है, इस प्रकार उसने भाव दृढ़ रखा। और पतिव्रता धर्म का पालन स्त्री ने किया तो यही राम जी का जन्म होता है। उसी गृहस्थ में राम जी आते हैं। राम जी का आने का तात्पर्य क्या है? उस घर में विश्राम मिलता है, तब एक दूसरे को देख करके हृदय मुस्कुराएगा, तब एक दूसरे को देखने की प्यास बढ़ेगी, ललक बढ़ेगी, तब जाके गृहस्थ ही आनंद में बन जाएगा। और जब तक हम एक दूसरे के भीतर कमी ही ढूंढते रहेंगे तब तक एक नहीं 1000 पति पत्नी मिल जाए कहा जीवन संतुष्ट होने वाला नहीं है। ये गृहस्थ का सूत्र है क्या कि कहा एक दूसरे के भीतर अच्छाई का दर्शन करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाए ताकि हमारे घर में भी राम आए, हमारे झोपड़ी के भाग भी खुले। इसलिए भाव सिखाएंगे करी, बहुत ट्रेंडिंग में था ये भजन। प्रेम श्री राज राम चंद्र भगवान की जय। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे तब राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम की। तो जब इस प्रकार का गृहस्थ आपका हमारा होगा तो आपके हमारे घर में भी राम आएंगे। इसलिए भगवान की कथा सुनिए कि घर में राम आए। कौन सा घर? कहते ये शरीर ही हमारा घर है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। शरीर ही गृह है और आत्मा ही परमात्मा है। तो हमारे हृदय में आकर के राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुर भू। राम जी के साथ, लखन जी के साथ, भैया लक्ष्मण के साथ प्रभु आकर के हम विराजमान हो। इसलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। क्यों? क्यों? कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरि चित्तं समाश्रयेत्। यस्याः श्रवण मात्रेण हरि चित्तं समा। इसके सुनने मात्र से भगवान हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और संक्षेप में कथा सुनिए विस्तार पूर्वक किसी और दिन। तो पहले अध्याय की कथा में भगवान की कथा की महिमा। चार प्रश्न नारद जी ने पूछे, फल क्या है? कहा भैया जो कुछ आप चाहते वो सब मिल जाएगा, धन धान्य सुख शांति आनंद पुत्र पुत्र आदि की वृद्धि। कहा विधान क्या है? जितनी शक्ति है उतना विधान है। अपना सामर्थ्य तो सोने की मूर्ति बनवाइए, सोने के आसन पर ठाकुर जी को बिठाइए और भगवान की सेवा करिए। और सामर्थ्य नहीं है तो क्या करें? कहते भैया भगवान केले के पत्ते से प्रसन्न हो जाते हैं, तुलसी पत्र से रीझ जाते हैं। अगर आप शिव आराधक हैं तो शिव जी जल से रीझ जाते हैं, गणपति जी के आराधक हैं दुर्वा से रीझ जाते हैं, तो भगवान पत्ते में भी रीझ जाएंगे। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। और कहा किसने किया? चार अध्याय बताया। चौथा कब करें? बोले जब याद आए तब भगवान की कथा करनी चाहिए। प्रेम दुर्भाग के बिहारी लाल की बजाओ महाराज जी, संग बजा दीजिए एक बार। दूसरे अध्याय की कथा है। कश्यप काशीपुरे
रम्य यासी विप्रो अति निर्धन। आप महाराज जी जाकर के हवन की तैयारी, आप दोनों जाइए आज लगाते हैं बीच में कुंड रख के, ये स्वामी छत्रपाल जी की व्यवस्था लो लो करो वहां जाके अपने स्थापन करीब व्यवस्थित नीचे थाली लगा के करना। चलिए ओ दूसरे अध्याय की कथा है भैया। एक ब्राह्मण देवता और कहा ब्राह्मण देवता के जीवन में भी सबसे बड़ा दुख था, वो दुख क्या था? दरिद्रता। जीवन में दरिद्रता भैया बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दुख है। दरिद्रता कन्या प्रवेश करके था आगे ना। हाँ नहीं अभी थोड़ी कर 10 मिनट बाद ठीक है, बंद करो सब जल्दी होगा। नहीं दरिद्र समपात कपुंजा, दरिद्रता जीवन का सबसे बड़ा पाप है। दरिद्रता क्या है? कहते गरीबी और दरिद्रता ये दोनों अलग अलग शब्द है। गरीबी क्या है? कि जिस धन का अभाव होना। और दरिद्रता क्या है? धन होते हुए और धन को खर्च न कर पाए, धन सही जगह खर्च न हो, मतलब धन होते हुए धर्म न कर पाए कोई, वो दरिद्र है। धन है लेकिन वो भूखा मर रहा है, उसको दरिद्र बोलते हैं। पैसा दबा करके बैठा है लेकिन उसको खर्च नहीं कर सकता और उसके लिए वो पीड़ित है, दुखी है, तो दरिद्रता पाप है। तो दरिद्रता सिर्फ धन से ही है? कायिक वाचिक और मानसिक तीन प्रकार की दरिद्रता होती है, शरीर से और वचन से और मन से। वचनिक किम दरिद्रता, इसलिए हमारे शास्त्र में कहते हैं अगर आपके पास धन नहीं है तो वचन से अमीर बन जाओ। वचन से अमीर कैसे बने? अगर कोई दुखी है आप उसको धन नहीं दे पा रहे हो, दरिद्र तो हो धन से, तो वाणी से बोल कोई बात नहीं भैया भगवान तुझे बहुत देगा, ये हो गया वाणी की अमीर। कुछ लोग वचन से भी दरिद्रता है कि वो बोल भी नहीं पाते, किसी के बारे में अच्छा मुख से बोल भी नहीं पाते, ये वचन की दरिद्रता है। तन की दरिद्रता क्या? शरीर भगवान ने बहुत पुष्ट दिया है लेकिन कभी हमने किसी को सहायता नहीं करी, किसी को भोजन करने के लिए हाथ कभी उठे नहीं दान देने के लिए, शरीर से ठाकुर जी की सेवा नहीं की, परिक्रमा नहीं की, दृष्टि है नेत्र है दर्शन नहीं किया, ये शरीर की दरिद्रता है। तो ये सब दरिद्रता को दूर करने का एक ही साधन है, वो है भगवान का नाम। ब्राह्मण देवता भी दरिद्र थे, ब्राह्मण देवता ने भगवान को क्या कहा? ब्राह्मणोते दरिद्रो। और दरिद्रता से होता क्या है भैया? जो कुछ है वो भी चला जाता है। जैसे भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है, धन है, धन की तीन गति है, दानम भोगो और नाशा। आप या तो उसका दान पुण्य करिए, कुछ खिलाइए पिलाइए सेवा करिए, ये श्रेष्ठ गति है। ये ना हो तो भोग कर लीजिए, खाओ पियो आनंद करो, ये न करोगे तो तृतीय गति मतलब उसका नाश हो जाता है। अर्थात दरिद्रता से धीरे धीरे जीवन में अभाव आने लगता है, एक स्थिति ऐसी आती है कि कुछ जीवन में बचता नहीं है। आज ब्राह्मण देवता की ऐसी स्थिति आ गई कि अब कुछ नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण देवता केवल संग्रह करते, मांगने पे जो मिले उसको छुपा रख लिया जाए, और रखने से क्या हुआ? दरिद्रता बढ़ी तो सब नष्ट हो गया। आप जो हम ब्राह्मण जो भी दक्षिणा आपके यहाँ लेकर जाते हैं वो दक्षिणा क्या होता है? वो यजमान का पाप है। यजमान ने पुण्य किया और उसके बदले में ब्राह्मण को वो पाप मिला। अब उसको पचाने के लिए उसको संध्या करना है, जप करना है, हवन करना है, गायत्री करनी है, उपासना करनी है, वेद शास्त्र को स्वाध्याय करना है, इतने नियम है, सब जाकर के उसको ब्राह्मण साधु संत पचा पाएंगे। तो इतना मैं इसलिए यहाँ पर दरिद्रता है तो भगवान को बुलाए और संक्षेप में सुनिए नहीं तो रात हो जाएगी। इसको बंद करें तब कहा ब्राह्मणोति, कहा दूसरे अध्याय की कथा में ब्राह्मण देवता के भीतर दरिद्रता थी, इस कारण से सब अभाव आया। भगवान को बुलाए, भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर के आए, उनको पूछते हैं कि भैया क्या दुख है? कहा मैं दरिद्र हूँ, यही दुख है। ब्राह्मणोति दरिद्रो हम और भिक्षार्थो भई भ्रमे, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए भ्रमण करता हूँ, कोई उपाय बताइए। बोले भैया जब तक जीवन में दान नहीं करोगे तब तक उपकार होने वाला नहीं है। सच बता दे बिहारी से ए प्यार कितना, सच बता दे बिहारी। कहा कि आप अगर हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम है? बोले नहीं है। और तूने किया जीवन में दान और उपकार कितना, सच बता दे बिहारी।
आप कितना प्रेम करते हो भगवान से। बोले भैया ये तो अभी हुआ ही नहीं है। हां तो बोले उसके लिए क्या करें महाराज। बोले सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ कर दो। और ब्राह्मण देवता ने विप्र आज्ञा को शिरोधारी करके रात्रि भर निद्रा नहीं आई। प्रातः काल उठ करके भगवान की कथा का संतोष लेकर के और बंधु बांधव के साथ कथा सुनी। और हर महीने जब व्रत कथा दान सेवा करने लगे जीवन में पुण्य की वृद्धि हुई, दरिद्रता मिट गई, धन ऐश्वर्य आया। एक स्थिति ऐसी आई कि ब्राह्मण देवता धन संपन्न हुए और उनका गरीब मित्र लकड़हारा गांव में आकर के जब देखता है ब्राह्मण के पास ऐश्वर्य तो पूछा कि ब्राह्मण देवता किसने प्रदान किया। कहा भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ है, आप भी सेवा करो आपको भी प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने भी भगवान की सेवा करी, यहाँ सुखी रहे, देह त्याग के बाद भगवान के धाम को गए। प्रेम से बड़े सत्यनारायण भगवान की सत्यनारायण भगवान की जय का तीसरे अध्याय की कथा है। एक राजा अपनी पत्नी के साथ संतान की प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के किनारे भगवान की कथा कर रहे थे। साधु नाम का बनिया आता है, पूछा क्यों कर रहे हैं। कहा संतान की प्राप्ति के लिए। कहा क्या इसे संतान मिलेगा, यदि आप आराधना करोगे तो संतान की प्राप्ति होगी। साधु नाम का बनिया घर गया, पत्नी लीलावती को बताया। दोनों ने भगवान के नाम की महिमा को जानकर सत्यनारायण इस महामंत्र का जप किया। भगवान के नाम जप से पाप समाप्त हुए, पुण्य की वृद्धि हुई, बिटिया का जन्म हुआ। कलावती नाम नामकरण किया, कलावती नाम रखा, बहुत दान पुण्य किया है, लेकिन भगवान का व्रत करना भूल गए। और बार बार जब भगवान का व्रत करना भूल गए, पति ने स्मरण भी कराया कि भगवान की सेवा तो कर लीजिए। कहा विवाह के समय व्रत को करूंगा। विवाह हुआ बेटी का ना, लेकिन तब भी भगवान का पूजन नहीं किया। तो भगवान ने श्रापम तस्मै प्रदत्तवान, भगवान ने उनको श्राप दिया है। अब क्यों श्राप दिया है, जिस प्रकार संसार के जो हमारे माता पिता है कुछ अपराध करने पर हमें दंड देते हैं। दंड का उद्देश्य आपको पीड़ा देना नहीं होता, दंड का उद्देश्य मात्र इतना है कि आप सन्मार्ग पे चले। उसी प्रकार परमात्मा भी हमको दंड देते हैं ताकि हम सन्मार्ग पे चले। यहाँ पर दुख मिला, भगवान की याद आई। देखिए बिना दुख के भगवान की याद कभी नहीं आती। दुखों की जो ठोकर खाई ना होती उस प्यारे प्रभु की याद आई ना। तो प्रभु की याद कब आती है, जब दुख आता है भगवान की याद आई। यहाँ ससुर दामाद चोरी में पकड़े गए, घर का जो धन था चोरों ने चुरा लिया। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी, भिक्षा मांगते मांगते मंदिर में बैठी, भगवान की दिव्य कथा श्रवण करी। कुछ देर रात होने पर बेटी घर आई, माँ ने पूछा पुत्री रात्रि स्थिता पुत्र किमते मनसि वर्तते, बेटी ते कितनी रात्रि कहाँ थी तू। बिटिया ने कहा माँ मैं भगवान के दिव्य कथा को श्रवण कर रही थी। माँ को भगवान की याद आई, मनोती माँ ने कहे प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करें। श्री ठाकुर जी ने अपराध को क्षमा किया और उसके बाद भगवान की आराधना करने लगे। तो भगवान ने वहां के राजा को स्वप्न में दर्शन दिया कि जिनको तुमने कारागार में डाला है वो दोनों निर्दोष हैं। राजा ने जो धन लिया था दुगुना दर के दोनों को विदा किया है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यात्रा सत्यनारायण भगवान की यात्रां तु कृतवान् साधुर्मंगलायन पूर्विका। मंगलाचरण करते हुए साधु नाम का बनिया दामाद के साथ आगे बढ़ा, दान पुण्य किया। भगवान ने परीक्षा ली है, एक सन्यासी का रूप लेकर के ठाकुर जी आए। पूछते हैं बेटे तेरी नाव में बड़ा कुछ भरा भरा लगा है, क्या है तेरी नाव में। झूठ बोल दिया, लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ मम। हे प्रभु हमारी नाव में तेज पत्ता मसाला भरा है। भगवान ने कहा सत्यम भवतु ते वचन, तेरी बात सत्य हो जाए। जाकर के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे, या हीरे जवाहरात तेज पत्ता मसाला बना, नौका हल्की हो गई। दामाद के साथ जब दर्शन करने के गया वहां सब कुछ समाप्त हो गया, मूर्छित होकर गिर पड़े। दामाद ने जगाया, देखो भैया वही बोले थे, बाबा जी बैठे जाइए उनके पास। दौड़ कर गए, रोने लगे। भगवान ने कहा मारो देशुर मद्वाक्यो मम पूजा बहिर्मुख, मेरे कारण ही तुझे दुर्बुद्धि दुख मिला है।
हाँ प्रभु अब नहीं अपराध करूंगा, अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे भीतर बहुत अवगुण है नाथ, मारा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारो। मैं प्रभु अपने अवगुण को स्वीकार करता हूँ, मुझे क्षमा करिए। ठाकुर जी समा क्षमा कर दिए। पूछते हैं क्या चाहिए, शरणागतम पुराने धन के मेरा मेरे परिवार की रक्षा करिए। भगवान ने जो कुछ गया था वो सब प्राप्त हुआ, धन के रक्षक को लेकर के आगे बढ़े, नगरी दिखाई पड़ी, घर पर भेजा, समाचार सुना, माँ बेटी पूजन कर रही होती है, पूजा को अधूरा छोड़ करके माँ चली गई, बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया, पति जल में डूब गया, ऐसी ऐसी वाणी सुनाई पड़ी नदी के किनारे, रोने लगी, तो भगवान ऊपर से आकाशवाणी में कि हे साधु तेरी बेटी ने भगवान के प्रसाद का तिरस्कार किया है, प्रसाद को ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी। घर गई, प्रसाद को ग्रहण किया, पुनः आई तो देखा पति देवता नौका को लेकर जा रहे थे, भगवान की जय जयकार करी है। प्रेम से बोलिए सत्य नारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय भगवते वासुदेवाय। अंतिम अध्याय की कथा है भैया, एक मिनट सुनिए। कहा एक आसीत तुम गध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर। कहते हैं प्रजा का पालन करने में तत्पर एक राजा की कथा है। कुछ लोग ये मानते हैं कि संसार के दायित्व का निर्वहन कर लेना ही धर्म है, यानी बच्चे पैदा कर लेना, दो चार के संतान हो जाए, उनका विवाह कर दो और यही धर्म है। लेकिन शास्त्र कहता है भैया ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? कहा सबे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधो। भगवान के चरणों में भक्ति हो जाना यही धर्म है। मनुष्य का शरीर मिला ही इसीलिए है कि हमको इस भाव सागर से पार जाना है, नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, मच्छर कुकर शुकर बैल कुत्ता गधा क्या बनना पड़े वो राघव जी जाने। ऐसे 84 लाख शरीर मिलेंगे और फिर नरक यात्रा भोगने के बाद फिर मनुष्य बने कि नहीं बने इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर बनने के बाद धर्म क्या है, जितना हो सके ठाकुर जी का भजन करें और भगवान से प्रार्थना करें। क्या ए सबरिया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार, ए कन्हैया ले चल पल्ली पार, ए कन्हैया ले चल पल्ली सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, मैं तेरे प्रभु अगर मैं उस किनारे आऊं तो मुझे भव सागर से पार करिएगा। राजा से अपराध हुआ, एकदा सवनम गत्वा, राजा वन में जाकर के बहुत सारे पशु को मार करके वृक्ष के नीचे बैठे, देखा छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे होते हैं, और जैसे ही देखा राजा ने प्रसाद का तिरस्कार किया, उस कारण से 100 पुत्र धन धान्य नष्ट हुए तो पुनः पीड़ा हुई। नगर में आकर के पुनः भगवान की कथा करी। सूर्य महाराज कहते हैं यह इदम पुरते सत्य प्रथम वरम दुर्लभ, भगवान की कथा दुर्लभ कथा को जो श्रवण करता है, कहा भगवान की दुर्लभ कथा को श्रवण करता है उसके समस्त मनोरथ की पूर्ति, सबको बाहर करो, उसके समस्त मनोरथ की पूर्ति हो जाती है। और इस प्रकार से दूसरे अध्याय के ब्राह्मण देवता सुदामा बन के मुक्त हुए। केवटराज कहते हैं ये जो उनका मित्र है लकड़हारा, केवटराज बन के मुक्त हुआ। महाराज जी दशरथ जी के रूप में मुक्त हुए। जितने भी भक्त हैं तुंगभद्र नाम के राजा स्वयं मनु बनकर मुक्त हुए। सभी लोगों ने भगवान की भक्ति करी और भगवान के
श्री राम को गए प्रेम करे सत्यनारायण भगवान की जय। अर्पण कर दीजिए बांके बिहारी लाल की जय हो। यहाँ ला करके भगवान के चरणों में तुलसी द्रव्य आदि अर्पित कर दीजिए। हाँ हाँ चलो।